हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी फ़ोन है, तो रियलमी फ़ोन में जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं तो उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं अपने गूगल अकाउंट में डायल पैड ऑप्शन पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस कार से शोर हैं। तो इसमें जो हमारे ऑल आइकन से स्वाइप करके ओपन कर लेंगे तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा फ़ोन आइकन, क्लिक करना है। क्लिक करते जो हमारा फ़ोन आइकन से ओपन जाएगा, इसमें जो हमारा ऑप्शन आ जाता है, हमारा ऑप्शन आ गया इसके अंदर डायल पैड। डायल पैड पर क्लिक करना है। यहाँ से आप किसी एड्रेस नंबर को ऐसे टाइप कर लेंगे। तो इसे हमने टाइप कर लिया है तो हम इसको सेव करना चाहते हैं अपने गूगल अकाउंट पे। तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करना है क्रिएट पे। तो हमारे पास कुछ इंटरफेस आया था तो गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा जो गूगल अकाउंट है इस पर ऐड हो गया। तो यहाँ से आप जो भी नेम है आपका पर्सनल उसकी तरह से सेव करेंगे। इसके तरह सेव करने का उसको सेव कर देंगे अपने गूगल अकाउंट पर। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारे गूगल अकाउंट पे सेव हो जाएगा, इसको आप चेक कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट पर। यहाँ पर हमारा नंबर शो हो जाता है, से हमारा शो रहा है। यहाँ पर इस नंबर को चेक कर सकते हैं जो हमारा गूगल अकाउंट में सेव हो चुका है। तो इसका फ़ोन की सेटिंग में जाकर गूगल अकाउंट में कॉन्टैक्ट नंबर को हम सेव कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में। तो आप वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।